गुड ईवनिंग ऑल ऑफ यू. आई एम लक्ष्मी साम्राज्यम, फाउंडर ऑफ रुद्रमदेवी सेल्फ डिफेंस अकाडमी. आई एम वर्किंग विथ शी टीम्स एंड नंबर ऑफ वॉलंटरी ऑर्गनाइजेशंस. वी सेट ए वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड ऑल्सो इन सेल्फ डिफेंस. नाउअडेज़ वी आर सेल्फ डिफेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एस्पेशली गर्ल्स. दे कैन इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय लर्निंग सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स. दे कैन इंक्रीज अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस. दट ईज मोस्ट इंपॉर्टेंट. चूस्तुन्नाम इपड़ सिचुवेशन टीवी लो, पेपर लो, लॉट ऑफ क्राइम्स गानी, किडनैप्स गानी, रेप अटेम्प्ट्स गानी, इलांटिवन्नी तप्पिंचुकोवाली अंटे एवरिकी वाळ्ळु सेल्फ्गा वाळ्ळनि वाळ्ळे रक्षिंचुकोवडं कोसम ई सेल्फ डिफेंस उपयोगपड़ुतुंदि. अलाने पाको मार्शल आर्ट्स अकाडमी 4th యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ గ్రాండ్ గా చేసుకున్నాం. ఇఫ్తాకర్ బాయ్ ఆల్ ది బెస్ట్, కంగ్రాచులేషన్స్. హీ ఇస్ వెరీ హార్డ్ వర్కర్ అండ్ వెరీ స్మార్ట్ వర్కర్ ఆల్సో. ఢిల్లీ ఇండియా నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఆయన మలేషియా, దుబాయ్, యుఎస్ఏ అన్ని దేశాల్లో స్టూడెంట్స్ని తీసుకెళ్ళి ఛాంపియన్, వరల్డ్ ఛాంపియన్ కూడా కొట్టించడం జరిగింది. ఆయన లాట్ ఆఫ్ గోల్డ్ మెడల్స్ కూడా సాధించారు, చూసాం ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ షీల్డ్స్ కానీ మెడల్స్ కానీ, వీళ్ళందరూ ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎక్కువ మెడల్ సాధించాలి. ఇలాంటి అకాడమీ సరూర్ నగర్లో ఉన్నటువంటి బ్రాంచ్ ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలందరికీ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది చాలా అవసరం. మా సపోర్ట్ ఎప్పుడూ ఉంటుందని ఇఫ్తాకర్కి మాటిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. गुड इवनिंग एवरी वन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार. मेरा नाम फराह खान है और मैं यहाँ पे, इट्स एन ऑनर, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एज अ पार्ट ऑफ पाको एकेडमी. और आई कॉन्ग्रेचुलेट इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत मुबारक फॉर 4th एकेडमिक एनिवर्सरी. और मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ सभी लड़कियों को, और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है आजकल. सभी लड़कियाँ, सभी लड़के, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ ऑल्सो, ईच एंड एवरी पर्सन, सबको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए. और अपने आप की हिफाजत करने के लिए मार्शल आर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका एकेडमी, पाको एकेडमी, दुनिया के हर शहर, हर कोने में अपना नाम रोशन करें. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. मास्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन, ब्लैक बेल्ट 7 रिटर्न, इंटरनेशनल कोच, फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस अकेडमी. आज पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस अकेडमी सरनगर ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है. हमारे बीच में मेहमान खसूसी DCP साउथ जोन साई चैतन्य सर भी आने वाले हैं, और शी टीम के मैडम सेल्फ डिफेंस के लक्ष्मी मैडम भी हमारे बीच में हैं, फराह खान मैडम भी हमारे बीच में है, और मुन्ना भाई जो कराटे के ब्लैक बेल्ट है वो भी हमारे बीच में है, और अबू बकर भाई जमानी के डायरेक्टर है वो भी हमारे बीच में है. और आज ये एनिवर्सरी, 4th एनिवर्सरी के मौके पर पाको के जो बच्चे अमेरिका में गोल्ड मेडल्स जीत कर आए, जो मलेशिया में, जो थाईलैंड में, जो जापान में, जो जहाँ जहाँ भी इंडिया से बाहर जाकर खेल कर आए बच्चे, उन बच्चों के बीच में मेडल्स तकसीम किए गए हैं, और उनको हमारे पास से पाको की तरफ से जो है फेलिसिटेट किया गया है. और आज स्पेशली पेरेंट्स के लिए हमारे पास, पेरेंट्स के लिए भी बेस्ट पेरेंट ऑफ द ईयर भी अवार्ड है हमारे पास, जो पेरेंट्स बच्चों के लिए इतनी मेहनत करके बच्चों को अमेरिका और बाहर के कंट्रीज़ में खिला रहे हैं, उन पेरेंट के लोग को मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ. और ये बच्चे आज ये बच्चे पाको में खेल रहे हैं, कल उम्मीद है कि ओलंपिक में भी खेलेंगे. तो हमारी यही उम्मीद है कि आज ये बच्चों की जो मेहनत पेरेंट्स की तरफ से हो रही है, और सेम इसी तरीके से ये बच्चों की मेहनत आगे भी अगर होती रहेगी, तो वो दिन दूर नहीं है कि पाको का झंडा वर्ल्ड के हर कोने में गाड़ा जाएगा, और हर कंट्री में पाको के बच्चे, हर कंपटीशन में पाको के बच्चे खेलेंगे, और अपने वालदैन का नाम और अपनी कंट्री इंडिया का नाम और अपने स्टेट तेलंगाना का नाम और अपनी एकेडमी पाको मार्शल आर्ट एंड डिफेंस का नाम भी रोशन करेंगे इंशाल्लाह. तो मैं आप सब तमाम का, मीडिया वालों का भी ममनून और मशकूर हूँ, जो आप हर वक्त हमारे बीच में मौजूद रहते हैं, खुसूसन हैदर भाई, जो हमारे जब भी हैदर भाई को मैं आवाज़ देता हूँ हमारे लिए लब्बाई करके आ जाते हैं. और आपकी तमाम मीडिया, जिनके नाम मेरे को याद है, जिनके नाम याद नहीं है, सबका शुक्र गुजार हूँ. और नसीर भाई भी आज हमारे बीच में, कई दिन के बाद नसीर भाई भी नज़र आए, नसीर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ. और अब आपके सामने हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर से, वो आपसे मुखातिब होंगे. सबको सलाम अलैकुम. अच्छा, एक्चुअली मैं अभी पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ कि
सभी लोग आज की डेट पे देखते हैं कि बच्चे को ट्यूशन भेजना, वहाँ भेजना, यहाँ भेजना, पढ़ाई पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट मेंटल हेल्थ जब तभी हो सकता है जब फिजिकली भी फिट हो। एंड इस उम्र में बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी होते हैं, उन लोगों को चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को सभी को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप लोग ये डिसीजन लिया, फैसला लिया बच्चों को वैसे मार्शल आर्ट सिखाना, सेल्फ डिफेंस सिखाना, इसका बहुत अच्छा फैसला लिया कि बच्चों को यहाँ पे लोग एनर्जी चैलेंज करने का एक अच्छा से तरीका निकाला आप लोग। तो पहले सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बधाई। इसके बाद या फिर जितने भी बच्चे हैं जो मार्शल आर्ट सीख रहे उन सबको जो अभी बता रहा था कि डिफरेंट लेवल कॉम्पिटिशन पे US पे गया, मलेशिया पे गया, अलग अलग जगह पे जीत गया है, इन्हें सभी लोगों को कंग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ, बधाई बात दे रहा हूँ। बिकॉज बहुत बड़ी चीज़ है बाहर जाके हम लोग बहुत नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग लोग अलग अलग कॉम्पिटिटर्स के साथ फाइट करके जीतना बहुत बड़ी चीज़ है। ये फाइट ये मार्शल आर्ट जो है ह्यूमन का नेचुरल इंस्टिंक्ट जो हर चीज़ का एक इंस्टिंक्ट होता है, हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। कोई भी हमको मार रहे हैं जिसको डक करना फिर वापस पंच करना, ये सारी चीज़ ह्यूमन का नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो उसके साथ जो नेचुरली जो आते हैं उनको चैनलाइज करके एक मार्शल आर्ट स्कूल के एक फॉर्म दिया हमको ताकि एक सीक्वेंस। तो इसमें एक्चुअली मार्शल आर्ट्स में ये नहीं सिखाते मारना, मार्शल आर्ट्स में ये सिखाते प्यार करना सिखाते। अब सही से पता अब सही से ट्रेनिंग कर सकते तो प्यार करना सीखते। लेकिन मार्शल आर्ट्स के जो है आप रिंग के अंदर बॉ के अंदर ही फाइट करते हो, बॉ के बाहर अच्छे से अच्छे दोस्त बनते हो, अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करते हो, एक दूसरे को हेल्प करना सीखते हो, एक दूसरे जैसे आपको पता है आप एक्सरसाइज करते हो मार्शल आर्ट्स करने के बाद कूल डाउन पे, कूल डाउन हमेशा क्यों बॉडी पे होते हैं, ये मिलके करते हैं। क्यों एक टीम स्पोर्ट इंडिविजुअल जैसे दिखते हैं बट पूरा टीम के साथ होना है, पूरा एक टीम होगा तभी आगे बढ़ोगे। तो दिखने में इंडिविजुअल स्पोर्ट है बट इसमें एक बंदे का विन जीतने में बहुत सारे लोग का सपोर्ट होता है। ये इसीलिए आप लोग को ये सारी चीज़ सिखाते हैं, उसको मार्शल आर्ट से सिखाते हैं कि सारी मिल के आगे बढ़ना है। एंड जैसे पहले बोला हूँ मैं भी डिफरेंट जैसे अभी डिफरेंट मार्शल आर्ट्स ट्राई किया, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ एक्सपर्ट कराटे ट्राई किया, बॉक्सिंग किया, उनमें अलग अलग जगह अलग अलग ट्राई किया हूँ। तो इसमें मेरे को ये समझ में आया ट्राई करना ये बड़ी चीज़ नहीं है, बट ट्राई किया इसमें ये सीखा मैं कि पहली चीज़ तो मेरा एनर्जी बचपन में तो बहुत ज़्यादा था, सभी लोग हाइपर होते हैं कि पूरा एनर्जी लेवल होते हैं, आप खेलोगे नहीं तो कहाँ से चैनलाइज होगा। तो बचपन में मेरा एनर्जी चैनलाइज होने में यूज़ हुआ। दूसरा जैसे कि बड़े होते जा रहा था कि मार्शल आर्ट्स का क्या है, क्यों मार्शल आर्ट्स सीख रहे हो, मार्शल आर्ट्स से क्या हम सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं गौर कर रहा था। मैं सोच रहा था कि जब इंजीनियरिंग करते वक्त मैं बॉक्सिंग कर रहा था तो उस टाइम पर सोच रहा था कि क्या है क्यों सीख। पहले चीज़ में मार्शल आर्ट्स करने की वजह से मैं अलग अलग लोग को मेरा इंजीनियरिंग जो है मैं BHU से सीखी, तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोग से मिला हूँ, अलग अलग लोगों से अभी भी बात होती रहती है। उसके साथ साथ मैं उसमें एक्चुअली जो मार्शल आर्ट बॉक्सिंग में क्या होते हैं पंच ये आप एम करते हो चेहरे पे पंच मारने के लिए, पंच लैंड करने के लिए, उसको आप डक करते हो फिर वापस करते हो, वापस पंच करने की कोशिश करते हो, ये सारी चीज़ रिंग के अंदर होते हैं। बट रिंग के बाहर जो एक के साथ एक हम लोग बहुत सारे इंसिडेंट जो हुआ था जब सभी लोग साथ मिलकर एक दूसरे फ्रेंड को हेल्प किया। जैसे मार्शल आर्ट्स आ रहे हो सेल्फ डिफेंस कर रहे हो इसमें अलग अलग वेराइटीज ऑफ मार्शल आर्ट सिखाते हैं, यही चीज़ आप लोग सीखना है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट इनसाइड द रिंग, रिंग के बाहर है दुनिया, तो उसमें आप लोग कैसे एक दूसरे के साथ दे रहे हो ये इसमें सिखाते हैं। और इसमें डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्शल आर्ट्स में, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन माने ये नहीं कि टाइम पे आना टाइम पे जाना, आपको सीनियर को रिस्पेक्ट कैसे करना, क्यों वो क्यों करते हो, एक तरीका का रिस्पेक्ट, अपना गुरु का तरफ रिस्पेक्ट है, अपने सीनियर जो पढ़ा सिखा रहे हैं उनके तरफ रिस्पेक्ट है, अपना रिंग को रिस्पेक्ट करते हो, ये हर चीज़ आप सिखाते हो मार्शल आर्ट्स कि हर सबको रिस्पेक्ट करना, सभी लोग मिलके ही हम लोग है ये सिखाते। तो आगे बढ़ के आप लोग से हम उम्मीद करते हैं कि
ये जो डिफेंस है सेल्फ डिफेंस वाला, तो आगे भी आप लोगों को सिखाओ आगे जितना, तो भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि पिछले बार भी चादर में देखो अभी जरूर नगर में लोग भी तरक्की करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप लोग का भी मेरा यही है कि आप लोग भी आगे बढ़ते जाओ, मार्शल आर्ट्स सीखते वक्त मार्शल आर्ट्स सीखते आगे बढ़ते रहे, और इसको किसी को मारने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, मारने के लिए किसी को प्रेम करने के लिए मार्शल आर्ट्स यूज़ करना चाहिए, तभी उसका असली मीनिंग आता। तो ये इसको मौका देने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।